हेलो गाइस, लॉकडाउन के कारण मैक्सिमम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ये सोच रही हैं कि उनका इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ले लें। तो यार, हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम जब होता था तब तो पढ़ते नहीं थे, तो अभी जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा घर बैठे अगर देना है तब क्यों पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है यार, बुक खोल के छाप लोगे या गूगल सर्च करोगे। ठीक है, तो अभी देखो, मैं ये मान के सोच चल रहा हूँ कि तुम लोग मेरे जैसे एकदम जाहिल हो जिनके पास बुक्स भी नहीं होता कॉपी करने के लिए। तो अभी हमारे पास ऑप्शन एक ही बच रहा है, और वो क्या कि गूगल सर्च कर सकते हैं। अब गूगल सर्च करते समय भी यार देखो, ये क्या होता है कि तुम जिस टैब में एग्ज़ाम दे रहे हो उस टैब से हट के अगर दूसरी टैब में जाओगे तो तुम जो प्रीवियस जो आंसर दिए हो किसी क्वेश्चन का वो रीसेट हो जाएगा। मतलब अगर तुम टैब छोड़ोगे तो पिछला जो आंसर दिए थे वो रीसेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो फिर से लिखना होगा उसको। तो यार, हमारे पास अभी गूगल सर्च करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट गूगल सर्च करे तो कैसे, क्योंकि अगर टैब छोड़ोगे तो हमारा प्रीवियस आंसर जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो यार, मेरे पास एक स्कीम है, ठीक है, उस स्कीम को फॉलो करो और देखो, तुम जिस टैब में तुम एग्ज़ाम दे रहे हो ना उसी टैब में रहते हुए तुम गूगल सर्च कर पाओगे, कॉपी भी कर पाओगे और पेस्ट भी कर पाओगे। तो यार, इस वीडियो का अंत तक देखो और फॉलो करो कैसे तुम कर सकते हो जिस टैब में रहो उसी टैब में। देखो तो यार, देखो उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं, प्ले स्टोर में जाना है और एक फूव्यू नाम का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करो, ठीक है, और जितने सारे ये परमिशंस मांग रहे हैं ना इसको दे दो। दे दो यार, हमारा एग्ज़ाम पास करा रहा देने में क्या जाता है, ठीक है, दे दो परमिशन, दे दो। उसके बाद देखो, इसको ना यहाँ से क्लोज़ कर दो। देखो यहाँ पे मेनू का ऑप्शन है, इसको क्लिक करो और एग्जिट पे क्लिक करो, ये कैंसिल हो गया। देखो उसके बाद देखो, अगर तुम इस आइकन को, ये जो आइकन दिख रहा है इसको अगर हाइड करना चाहते हो ना तो इसको हाइड कर सकते हो। इसको यहाँ पर हाइड करने के लिए इस पर आई आई वाले आइकन पर क्लिक करो, और उसके बाद ऑल ऐप्स फॉर ऑल ऐप्स और हाइड कर दो, इस पर क्लिक करके ओके कर दो, तो ये हाइड हो जाएगा। अब रही बात जब हम एग्ज़ाम देंगे तो इसका यूज़ कैसे होगा इस एप्लीकेशन का, ठीक है। तो यार देखो, जब एग्ज़ाम दोगे तो इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करोगे, सिंपली किसी भी क्वेश्चन को ना उसको कॉपी करो, क्वेश्चन को कॉपी करो तो ऊपर में एक गूगल सर्च करके आ जाएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करो, तुमको आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर्स मिल गए, उसके बाद इसको देखो, आंसर्स मिल गए ना, उसका फुल फॉर्म मिल गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, एग्जिट कर दूंगा और जो आंसर था उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम है उस पर तुमको राइट करना है, आंसर्स को लिखना है, सिर्फ सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लिखना भी है। तो अभी जैसे मान लो कोई भी एक क्वेश्चन को कॉपी करो। देखो जैसे मान लो इसको मैं कर रहा हूँ, व्हाट इज़ मेंट बाय क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको कॉपी किया, गूगल सर्च किया, और जो आंसर्स मेरे को मिलेंगे ना उसको क्या करूँगा मैं, कॉपी करके, देखो कॉपी किया और फिर इसको एग्जिट मारो, और यहाँ पर जा करके जो जगह है पेस्ट करने का वहाँ पेस्ट कर दो। हो गया तुम्हारा एग्ज़ाम यार, आंसर लिख दिए तुम इतनी जल्दी, और क्या चाहिए, मज़े करो। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।